बहुत ही अच्छा कलर है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने परचेज किया इसको। ओके मैंने पूरा खत्म कर दिया है, देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है। इसमें एक और एडिशनल आता है जो बालों के लिए अच्छा है, और जो एक शैम्पू टाइप आता है ना, मतलब वॉश करते टाइम वो नहीं आता है, सिर्फ ये तीन आता है। ये है शाइन टॉनिक, इसको आप मतलब जब कलर मिलाते हो इन दोनों उसके साथ इसको मिला के फिर लगाना है। मैंने डेमो में सब दिखा दिया है, आप डेमो अच्छे से देखिएगा ताकि यूज़ करने में इजी हो। मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है ये कलर, इसलिए मैंने पैच टेस्ट नहीं किया था, तो मुझे कुछ टाइम रखने के बाद इधर थोड़ा जलन सी होने लगते, अभी भी थोड़ा बहुत है यहाँ पे से, पता नहीं क्या हुआ था। और आप देख सकते हैं कलर कैसा आया है, बालों पे तो हुआ ही नहीं है, मैंने पूरा बालों पे लगाया था, बालों पे हुआ ही नहीं, से ये देखिए रूट्स पे हो गया है, देख सकते हैं। मेरे हेयर पे कोई भी कलर नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम कलर कर रही हूँ, और मेरे सामने साइड पे थोड़ा वाइट हेयर्स भी है, तो उसी को ही मैं कवर करने के लिए थोड़ा हेयर कलर लगा रही हूँ। ठीक है, तो पहले मैं वैसलिन लगा रही हूँ ताकि स्किन पे ना लगे कलर, इसलिए फॉरहेड पे, फिर या कानों पे, सब जगह पे मैं वैसलिन लगा के कवर कर दूंगी अच्छे से। और मैंने एक क्या बोलते हैं, मतलब टॉवल टाइप का कुछ लगा लिया है ताकि मेरा ड्रेस गंदा ना हो। आप भी अगर कलर करें तो ऐसे पहले खुद को कवर करके फिर कलर करें, नहीं तो मैस हो जाएगा, ड्रेस पे भी गिर जाएगा तो स्टेन छोड़ जाएगा, इसलिए। ये है वो कलर जिसको मैं लगाऊंगी, मुझे इसका कलर बहुत ही अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया। इसको मैंने नाइकर से परचेज़ किया है, 199 आई थिंक इसका प्राइस है, तो डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा नाइकर से। तो इसमें एक शाइन टॉनिक आता है जो बालों के लिए अच्छा है, एकदम शाइनी बना देता है। और दूसरे हेयर कलर में एक शैम्पू आता है, कलर शैम्पू समथिंग, वो इसमें नहीं आता है। आप मतलब इसको निकालने के लिए आपके पास जो भी शैम्पू है वो लगा लीजिएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 30 मिनट्स रख के फिर वॉश कर लीजिए, और अगर आपको डार्कर कलर चाहिए तो 45 मिनट्स तक रख के फिर वॉश कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने 30 मिनट्स ही रखा है, तो आप देख सकते हैं कितना डार्क कलर आया है। थोड़ी मेरी भी गलती है क्योंकि मैंने इसको दो बार मिलाया है, तो फर्स्ट बार आई थिंक डेवलपर थोड़ा कम हो गया और कलर मतलब कलर के भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मैंने डाल दिया था पूरा बॉटल, लेकिन फिर निकाल लिया है सोच के कि शायद नहीं लगेगा, लेकिन बाद में लगा, इसलिए मैं फिर से मतलब मिलाई इसको, तो इसलिए शायद फ्रंट साइड जो ऐसे लाल हो गया है, शायद इसीलिए हो सकता है। तो अगर आप मतलब मिलाए तो क्रीम को एग्जैक्टली मिलाइए, थोड़ा ज़्यादा मत मिलाइए, नहीं तो मेरी तरह हो जाएगा।
बालों को कॉम कर लिया है और मैं ग्लव्स लगाना भी भूल गई हूँ, तो वही मैं लगा के फिर बालों पे अच्छे से कलर करूँगी। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना प्रिटी है, एकदम डार्क रेड, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कलर। लेकिन हेयर पे पता नहीं क्यों ऐसा आया है, शायद मेरी ही गलती है, इसलिए शायद क्या मेरी ही होगी, नहीं तो ऐसा कलर क्यों आएगा। अच्छे से पार्ट कर कर के मैं पूरे मतलब सर पे लगा रही हूँ, फिर बालों को दो पार्ट में डिवाइड करके फिर बालों पे लगाऊंगी। अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल ना लगे तो आप हाथों से भी लगा सकते हैं। मैं ब्रश से लगाती हूँ, मुझे थोड़ा कंफर्ट लगता है ब्रश से लगाना, इसलिए। लगा लिया है, अभी मैं 30 मिनट्स तक रख के फिर वॉश कर लूँगी।